प्रदेश में अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण के व्यापार से जुड़े परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकार की ओर से नवजीवन योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। योजना के तहत सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से ऐसे परिवारों का सर्वे कर चिन्हीकरण किया जाएगा। फिलहाल आबकारी विभाग की ओर से ब्यावर क्षेत्र में ऐसे 11 परिवारों के नाम का प्रस्ताव भिजवाया गया है जो इस धंधे में लिप्त है तथा उन्हें नया जीवन दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवार को कच्ची शराब के व्यवसाय से जुड़े हैं, वह समाज की मुख्य धारा से दूर है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां कच्ची शराब बनाने एवं बेचने के व्यापार में गुजर गई। शहर के छावनी एवं देलवाड़ा रोड स्थित सासी कंजर बस्ती क्षेत्र में तो यह आम बात है, जहां हर परिवार का सदस्य इस व्यापार से जुड़ा है। उनके यहां विभाग की ओर से गठित टीमें कई बार छापामार कार्यवाही कर उपकरण एवं वॉच नष्ट करते तो उन्हें पाबंद भी किया जाता है, लेकिन वह व्यापार भी नहीं छोड़ पाते हैं। गत दिनों भी उपकरण अधिकारी श्वेता चौहान एवं सीआई शहर संजय शर्मा जब नशा मुक्ति अभियान के तहत उनके बीच पहुंचे और इस जहरीले व्यापार से दूर होकर बेहतर जीवन यापन करने के लिए कहा, तब भी इन लोगों ने परिवार के लालन पालन के लिए अन्य कोई काम नहीं होने की बात कही थी। प्रदेश में लगभग सभी जगह यही हालात सामान्य की बात है। ऐसे में सरकार ने इन परिवारों की नवजीवन योजना लागू की है। आबकारी निरोधक दल प्रहराधिकारी हरस्वरूप सिंह ने बताया कि योजना के तहत ऐसे परिवार को स्वरोजगार कार्य के लिए ऋण दिया जाकर उनके पुनर्वास के प्रयास किए जाएंगे, जिससे यह परिवार समाज की मुख्य धारा में समाहित होकर सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके अलावा भी इन परिवारों के बच्चों को स्कूलों में शिक्षा के लिए व्यवस्थित कर प्रेरित किया जाएगा। विभाग की ओर से शहर के ऐसे 11 परिवारों का चिन्हीकरण सूची को उच्च स्तर पर कार्यवाही के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सूची के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से इन परिवारों का योजना के तहत सर्वे करवाया जाएगा। वहीं ऐसे परिवारों को नशा मुक्ति का संदेश देकर जागरूक किया जाएगा। योजनाबद्ध जो सुविधा दी जा सकेगी वह इन परिवारों को दी जाएगी, जिससे इनका विकास हो सके और ये ऐसे कार्यों से दूर होकर समाज की धारा में जुड़े। ब्यावर में अवैध व हथकड़ शराब बनाने वाले की सूची नवजीवन योजना के तहत लाभ चाहने वालों की सूची मुख्यालय भेजी गई है, जिसमें खास करके कंजर बस्ती और सासी बस्ती के अंदर जो गरीब तबके के लोग हथकड़ शराब बनाते हैं उनकी सूची भेजी हुई है। मुख्यालय से जैसे ही आगे निर्देश आएंगे उनको लाभ प्रोत्साहन मिलेगा। संस्कार आईटीआई 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका। संस्कार आईटीआई कीजिए 2 साल का ट्रेड इलेक्ट्रिशियन कोर्स और बनाइए अपना भविष्य उज्जवल। 2 साल में आईटीआई डिप्लोमा के साथ 12वीं पास की मान्यता, स्वच्छ हरा भरा वातावरण, वाईफाई कैंपस युक्त आधुनिक तकनीक से बेहतरीन कोचिंग, साथ ही ट्रेंड टीचर द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में प्रैक्टिकल की सुविधा, अत्याधुनिक आईटी लैब, क्षेत्र का एकमात्र अपग्रेडेड आईटीआई संस्थान, संस्थान के प्रथम बेंच में ही हीरो मोटोकॉर्प मिल्सुबी जैसी प्राइवेट कंपनियों में 32 विद्यार्थियों का चयन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्लेसमेंट की सुविधा और प्रत्येक सेमेस्टर में 90% से अधिक परीक्षा परिणाम, प्रोजेक्टर एवं आधुनिक प्रणाली द्वारा ऑडियो वीडियो क्लासेस, सरकारी विभागों में नौकरी के बेहतरीन अवसर, ST SC OBC BPL व असहाय अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति की सुविधा और तो और छात्राओं को प्रवेश में विशेष छूट, प्रवेश प्रारंभ तो आज ही चले आए। संस्कार आईटीआई ठीकराना मैदान सेंदा रोड ब्यावर, निदेशक सोहन सिंह व प्रबंधक देवी शंकर, मोबाइल नंबर 9784766144 9887171782। चंदानी एंड सन्स एक कंप्लीट किराना मार्ट लाए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर कार्तिक मसाले, बगैर मिलावट के शुद्ध मसाले, हर रसोई की पहली पसंद। साथ ही कार्तिक ब्रांड की कार्तिक चाय, घूट घूट में लाए ताजगी। कार्तिक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों को देने जिंदगी, और शुद्धता से भरपूर तिल्ली मूंगफली सोयाबीन का कार्तिक तेल और चटपटे अचार में ब्रांडेड अगरबत्तियां। जन्म से लेकर विवाह तक सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है तथा मांगलिक आयोजन हेतु पूजन सामग्री व सभी प्रकार का किराना सामान बेहद वाजिब दाम में। और तो और मक्खन, पनीर, चीज, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिज्जा व फास्ट फूड बनाने के आइटम्स भी, साथ ही डिस्पोजल आइटम्स भी उपलब्ध और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज। तो आज ही चले आइए चंदन एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट, चांगेट के अंदर लूम जी के ढाबे के पास, ब्यावर।